आम आदमी पार्टी ने राष्ट्र निर्माण अभियान चलाया है, जिसके तहत हिमाचल में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठकें की जा रही हैं। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राम प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक माह में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जो कि 23 फरवरी से शुरू हो चुका है और 23 मार्च तक चलेगा। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्र निर्माण अभियान चलाया है, जिसके तहत हिमाचल में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठकें की जा रही हैं। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक राम प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक माह में 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जो कि 23 फरवरी से शुरू हो चुका है तथा 23 मार्च तक चलेगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी गाँव स्तर तक जाएगी। सदस्यता अभियान के बाद हिमाचल में बिजली, पानी, सीमेंट सहित अन्य मुद्दों पर पार्टी संघर्ष करेगी। सभी समस्याओं का अध्ययन करके जनता के समक्ष लेकर जाएंगे तथा पार्टी के सामने भी इन मुद्दों को रखा जाएगा। इसके साथ चुनाव या अन्य कोई भी निर्णय पार्टी हाई कमान लेगा। शिमला में पानी की समस्या है, जबकि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पानी है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया, हिमाचल में भी करके दिखाएगी आम आदमी पार्टी। आज का जो मेन मुद्दा है, अभी आम आदमी पार्टी ने जो राष्ट्रव्यापी राष्ट्र निर्माण सदस्यता अभियान चलाया हुआ है, उसका हिमाचल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन करके, बातचीत करके और उनको सारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस अभियान को पूरे हिमाचल में चलाएंगे। उसके लिए हमारा लक्ष्य कम से कम 1 लाख से अधिक हम 1 महीने में इस लक्ष्य को पूरा करना है। इसके लिए ये लक्ष्य 23 फरवरी से 23 मार्च तक 1 महीने का है और उसके बाद ये पूरा आकलन, पूरा ये अभियान में हमारे सारे साथी कार्यकर्ता गांव-गांव जाके और हर जगह जा कर के इस अभियान से बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। अभी तो हमारा फोकस 1 महीने का ये संगठन का पूरा सदस्यता अभियान का है। सदस्यता अभियान के बाद में फिर हिमाचल की जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सीमेंट का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा और भी स्थानीय बहुत सारी चीज़ें हैं, उस मुद्दे पर हम संघर्ष करेंगे और उसका पूरा एक अध्ययन और रिसर्च करके और उन पर किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको आगे हम जनता के सामने लेके जाएंगे और पार्टी के सामने रखे जाएंगे ये चीज़ें। उसके बाद पार्टी हाईकमान चुनाव का या जैसे जो भी डिसीजन लेगा पार्टी हाईकमान लेगा। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं कि जैसे यहाँ उसको यहाँ बनने के बाद भी इतने यहाँ के लोगों को इतनी महंगी चीज़ें क्यों, और फिर महंगी के साथ साथ में अब जैसे शिमला जैसी राजधानी है वहाँ पर पानी की इतनी समस्या, पानी प्रचुर मात्रा में हिमाचल में है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं दे पाते, तो ये तो शर्म की बात है ना। इतने वर्षों के अन्य कांग्रेस भाजपा के और लंबे समय तक सरकारों के शासन के बाद भी, आज़ादी के इतने समय बाद भी हम लोगों को पीने का पानी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मुहैया नहीं करा पा रहे, तो उसके लिए हम पूरा ब्लूप्रिंट देंगे, पूरा किस तरह से हमने दिल्ली में जैसे करके दिखाया है यहाँ भी करके दिखाएंगे।